तबा तबा दिखाओ मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का चेहरा तबाही को। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। आओ तबाही, आओ तबाही, आओ। हूँ दिखाता अभी मैं। ये क्या दिखा रहे हो बेवकूफ? हो गई गलती, परी भयंकर मुंह से हो दिखाता मैं अभी। गौर से देखो इसे तबाही। इसका नाम बालवीर है। बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और इसके साथ ये जो लड़की खड़ी है, इसका नाम मेहर है, जिसे बचाने बालवीर यहां आया था। तुम जो काम करने जा रही हो उसमें तुम्हें इन दोनों से निपटना है। बच्चों से निपटने के लिए तुमने मुझे जगाया? दरअसल समझ रही हो आप जिसे बच्चा चकाया मजा उसने पाई भयंकर को, हराया उसने पाई भयंकर को। तुम जिसे साधारण बच्चा समझ रही हो वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये परीलोक से आया हुआ एक असाधारण बच्चा है। तुम्हें मेरी सारी शक्तियां इससे छीन कर वापस लेकर आनी है। बताओ क्या करना है, बताओ। मैं कुछ बुरा काम करने के लिए तरस रही हूं। बताओ बताओ। श्योर हो ना कि बच्चे हम पे हंसेंगे नहीं? और कितना हंसेंगे, वो भी हंस हंस के बोर हो गए होंगे ना। मोंटू बॉस आप ऐसे काम करते ही क्यों जिससे बच्चे हम पे हंसे? हे केवल, मेरा दिमाग ऑलरेडी गर्म है, तू इसको और मत पका। चलो अभी निकलो इस झाड़ियों से बाहर। मोंटू बॉस मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग ना इधर झाड़ियों में ही रहते। हाँ बॉस, इधर भी कुछ खास बुराई नहीं है। हाँ इधर तो कुछ खास बुरा ही नहीं है। एक काम करते, तुम लोग के लिए ना मैं यहाँ पे बेल लगा देता हूँ। गधे कहीं के निकलो बाहर। झाड़ियों में आ रही थी। हाँ बॉस, झाड़ियों से निकल के अच्छा लग रहा है और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। देखा, मेरा पत्तों वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है ना। ए केवल, तू बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है? बॉस मैं उसके जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बकरी उसके जैसे मैं कर रही है। उस बालवीर ने भेजा होगा। बॉस अपने पत्ते बचाने तो भागो, इस वक्त तो बकरी भी शेर लग रही है। भागो भागो भागो, भागो!
परी भयंकर, कितना सुंदर महल बनाया है आपने। जब माँ परी मुझे यहाँ जमीन में गाड़ने आई थी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या अब उग आए हैं पेड़ पौधे यहाँ पर, बन गए हैं बाग बगीचे यहाँ पर, है ये भयानक लोक उतना ही उजार था जितना बरसों पहले। तबाही, ये है मेरे सतरंगी हीरे। ये तो सफेद है, इन्हें तो रंगीन होना चाहिए था। हाँ, परियों ने मेरे जादुई दंड से इनकी सतरंगी शक्तियों को निकाल दिया और ये हीरे सफेद हो गए। अब तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर इन हीरों को फिर से रंगीन करना है। पृथ्वी लोक, वहां क्या मिलेगा? बालवीर। परियों ने अपनी सातों शक्तियां उस बालवीर को दे रखी है और तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर उसे मजबूर करना पड़ेगा कि वो वहां आए और अपनी सातों शक्तियों को एक एक करके इस्तेमाल करे। उससे क्या होगा? जब भी वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा तुम इनमें से एक हीरा हवा में खुला छोड़ देना। जैसे वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा मेरा हीरा उसकी शक्ति खींच लेगा और जैसे वो शक्ति खींचेगा वो रंगीन हो जाएगा। समझ गई। एक एक करके ये सारे हीरे रंगीन हो जाएंगे, फिर इन हीरों के सहारे तुम अपने जादुई डंड को जिंदा करोगे। हाँ, और उन्हीं शक्तियों से जागृत करूंगी मैं अपना जादुई दंड और फिर से बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली। गिन गिन कर बदले लूंगी उन सारी परियों से, बर्बाद कर दूंगी सबको और फिर मैं बनूंगी फिर से यहां की रानी। परी भयंकर, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। पृथ्वी लोक में जाकर तबाही मचाऊंगी, बालवीर की सारी शक्तियां छीनकर उसे शक्तिहीन बनाऊंगी और तुम्हें शक्तिशाली। अरे वाह गाल परी, लगता है आप इस बार पृथ्वी लोक के किसी भी बच्चे को गणित में फेल नहीं होने देंगी। इस बार ही क्यों? मैं तो चाहती हूँ कभी भी कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो, ताकि बड़े होके वो पायलट, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सके। परी हो तो आग जैसी। आर पार परी, गाल परी का तो समझ में आ गया, लेकिन आपका क्या चल रहा है आजकल? आप अपने काम में ध्यान क्यों नहीं दे रही? मैं भी वही देख रही थी,
कि इस बार आर पार परी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही। हाँ, और पृथ्वी लोक में त्योहारों का मौसम भी है और ऐसे मौसम में बच्चे बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं। और हर बार की तरह आपका इस बार भी यही काम है कि आप अच्छे से चॉकलेट्स को जांचें, ताकि किसी भी बच्चे के पास खराब चॉकलेट ना आ जाए और उनकी तबीयत ना खराब हो। हाँ, अब तो है आने वाला त्योहार, वो क्या कहते हैं पृथ्वी लोक पे, हाँ क्रिसमस। हाँ आर पार परी, इस बार तो तुम्हें दुगनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। हाँ आर पार परी, आप चॉकलेट्स परतने का काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। चलिए मेरे साथ आइए। चलो। अरे ये क्या है? ये है चॉकलेट्स की ATM, यानी के चॉकलेट की ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन। चॉकलेट्स यहाँ से वहाँ जाती है और उसकी जांच अपने आप होती है। अरे वाह, ये तो कमाल की मशीन है। जरूर ये नटखट परी की खोज होगी, क्योंकि ऐसी मशीन वो ही बना सकती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना भटकाती परी। कमाल है नटखट परी, और कमाल है आपकी ये खोज। शुक्रिया भटकाती परी। लेकिन आर पार परी, अगर इसमें कोई खराब चॉकलेट आ गई तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ये खराब चॉकलेट है। जब भी इस तरह की चॉकलेट इस मशीन में आएगी तो ये भौंपू तुरंत ही बजने लगेगा। ऐसे कमाल है, हमारी परीलोक की परियां एक से बढ़कर एक है, हर रोज नए नए अजूबे करती रहती है। चलो चलो, ये बात जाके बाकी सारी परियों को बताते हैं। हाँ। नटखट परी, आप एक काम क्यों नहीं करती, ये चॉकलेट्स को आग में डालने के लिए भी एक मशीन बना लो, तो आर पार परी को और भी आसानी होगी। हाँ। गिरा देती है हर बार मुझे पृथ्वी लोक पर धक्का मार के ये परी भयंकर, और आती है खुद तो मजे से हवा में उड़ते हुए। अब आने दो उसे, अभी मैं उसको। कुछ कह रहे थे तुम मुझे? तौबा तौबा, परी भयंकर कह रहा था मैं ये कि नहीं हुई कोई तकलीफ मुझे, थोड़ा फटका थोड़ा गिरा थोड़ा दर्द हुआ। अरे पर वो सब छोड़िए, आप आ गई मैं आ गया, पर कहाँ है वो आपकी प्यारी तबाही? पाठशाला में यही पढ़ती है वो मेहर। मेहर? वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मेहर, जिसको सताने में मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ वही मेहर, वैसे तो किसी भी बच्चे पर जब कोई जुल्म होता है तो बालवीर उन्हें बचाने आता है, लेकिन जब मेहर पर कोई जुल्म हो तो बालवीर अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो जरूर आता है।
समझ गई। तो इसी स्कूल में दिखाने हैं मुझे मेरे जलवे। समझ गई। ताकि बालवीर आए और अपनी शक्तियां लुटाए। बच्चों तैयार रहना, मैं हूं तुम्हारी नई प्रिंसिपल तनुजा बालू भाई हीरापुर वाला। तबाही तबाही तबाही। टिफिन लाना भूल गए और ऊपर से बल्लू पता नहीं कहाँ चला गया। वही तो, अगर वो होता तो हम तीनों मिलके घर जाके खाना खाके वापस फटाफट आ भी जाते। लेकिन उसके बिना जाएंगे तो मम्मी बोलेगी अकेले क्यों आए, बल्लू को क्यों नहीं साथ लाए। बल्लू के चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ेगा अभी। अरे मेहर, तुम आज टिफिन नहीं ले आई? नहीं, पहले बोल दिया होता मैंने अपने टिफिन में से खिला दिया होता। नहीं शुक्रिया। क्यों? अच्छा तो ये है महर। क्या हुआ बच्चों? एनी प्रॉब्लम? मैम हम घर पे टिफिन भूला है और बहुत भूख लगी है इसलिए घर जा रहे हैं। हाँ बहुत जोर से भूख लगी है। आप इंसान के बच्चे हो ना? इंसान के बच्चे? हाँ इंसान के बच्चे 30 सेकंड तक बिना हवा के, 3 दिन तक बिना पानी के और 30 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं। कौन है? नो आइडिया। और हवा पानी आपको यहाँ मिल रहा है और 30 दिन तक आप थोड़े ही यहाँ रहोगे, शाम को घर जाओगे, घर जाके खाना खाओ। हाँ समझे कि नहीं? चलो अंदर जाओ। जा मानो चलते हैं। महर ये कौन थी जिसने हमें फ्री में डांट दिया? पता नहीं, मैंने भी उसे पहली बार देखा इधर। कोई मोंटू की मम्मी तो नहीं? पहले बेटा परेशान करता था, अब मम्मी भी परेशान करने आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ? मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। आज हम लोग घर से टिफिन लाना भूल गए इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर फटाफट खाकर वापस आ जाते हैं। अच्छा तुम हमें ढूंढ रहे थे, हम तुझे ढूंढ रहे थे। हम दोनों की भूख मर गई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। अब तो जब छुट्टी होगी तभी हम खाएंगे। ठीक है। इन लोग को आज हम लोग जी भर के हंसाते। चलो अभी घूम जाओ।
हंसो अभी हंसो, बहुत जी भर के हंस लेते ना, हंसो करो की। ये मोंटू बॉस की पापा का स्कूल है, यहाँ मोंटू बॉस की पापा गिरी चलती है। उसने अपने पापा को फोन किया और उसका ड्राइवर 3 नई पैंट्स लेकर आ गया। नई पैंट, नई पैंट्स आ गई, नई पैंट्स आ गई। लगता है नई वाली पैंट भी फट गई। किसकी गई, मेरी तेरी है इसकी? आवाज से तो लग रहा था कि तीनों की चली गई। प्लीज पे बैठते हैं। गालपरी, खुश रहो आरपार परी। कैसा चल रहा है आपका गुब्बारों में गणित के नंबर्स भर भर के भेजने का कार्यक्रम? सब ठीक चल रहा है, अब सारे बच्चे गणित में बहुत होशियार हो गए। ये डिब्बे कैसे? ये सारे चॉकलेट्स के डिब्बे हैं। इन डिब्बों में जांच की हुई सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स है। अरे वाह, बच्चों के तो मजे हो गए, अच्छी अच्छी चॉकलेट भी खाने मिलेगी और अच्छे अच्छे नंबर भी लाएंगे। हाँ। नहीं गालपरी, बच्चे गणित में तो क्या किसी भी विषय पे अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते। क्या? ये आप क्या कह रही है? आपको तो पता ही है कि मैं बच्चों पे नंबरों की बारिश कर रही हूँ। कल ही मुंबई के पास पनवेल में गणित की परीक्षा हुई थी, वहाँ पे काफी बच्चे गणित में कमजोर थे, लेकिन मेरी नंबरों की बारिश की वजह से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रही है गालपरी, लेकिन दिल्ली, लखनऊ, मनाली, चंडीगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन क्यों? मैं तो वहां भी नंबरों की बारिश कर रही थी। हाँ, पर आपके सारे भेजे हुए नंबर्स बच्चों के सर पे नहीं बल्कि जमीन पर गिर के व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में इतनी ज्यादा ठंड है कि ज्यादातर ठंड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अच्छा हुआ बटकाती परी आपने मुझे ये बात बता दी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ठंड की वजह से बच्चे छुट्टी नहीं लेंगे। वो कैसे गाल परी, आप ऐसा तो क्या करने वाली है? हाँ, गर्मी के गुब्बारे। मैं सूरज से गर्मी लेकर अपने गुब्बारों में भर भर के लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब ठंड के इलाकों में भेज दूंगी। फिर देखना, फिर ठंडी बच्चों को नहीं सताएगी और सब स्कूल जा पाएंगे। ये तो उन्हीं की आवाज है। बच्चों, मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये ब्लैक बोर्ड के पास देखो, वहां तुम्हें बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है। हाँ है, बिल्ली मौसी। और ये जो बिल्ली मौसी है ना, इसको ऐसी वैसी बिल्ली मौसी मत समझना, ये बता सकती है कि किस बच्चे को एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स? मार्क्स? मौसी के पास आओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें उसमें अपने अपने मार्क्स दिखाई देंगे। हर बच्चे को अपने अपने मार्क्स दिखाई देंगे बिल्ली मौसी की आंखों में। आओ
चलो देखते देखते चलो। आओ मेरे पास आओ, आओ पास आओ। ए हटो हटो, मेरे पापा स्कूल के ट्रस्टी है, सबसे पहले मार्क्स मैं देखूंगा। हाँ हाँ हट जाओ सब लोग, और देख रहे तो मंटू के जीरो मार्क्स। क्या बोला? पिन ड्रॉप साइलेंस। नई प्रिंसिपल? हाँ, तुम्हारे पुराने वाले प्रिंसिपल अचानक बीमार हो गए और लंबी छुट्टी पर गए हो गए, और मैं आई तुम्हारी नई प्रिंसिपल तबाही। तनुजा बालू भाई हीरापुर वाला, इन शॉर्ट तबाही। अरे डरो मत, आओ मेरे पास आओ। देखो जो मेरी बात मानेगा उसे मैं प्यार दूंगी और तुम्हारे मार्क्स भी बताऊंगी। हाँ, और जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसका मैं बुरा हाल कर दूंगी, उसे मैं फेल कर दूंगी। चलो मैं चली। अरे वाह गाल परी, अब तो पृथ्वी लोक का कोई भी बच्चा ठंड की वजह से स्कूल से छुट्टी नहीं लेगा। गुब्बारे, गणित के गुब्बारे है, छोड़ रही गाल परी गणित के गुब्बारे। हाँ हाँ, टकरा जाता हूँ मैं गणित के गुब्बारों से और बढ़ाता हूँ मैं अपना गणित का ज्ञान। आजाद टकरा जा, गणित का ज्ञान बढ़ाते जा, आजाद आजाद। अरे डूबा डूबा ये आजाद टकरा जा, गणित का ज्ञान बढ़ाते जा। अब होगा तबाही का असली खेल शुरू। इन केमिकल्स पे पड़े हुए लेबल्स हो जाएंगे अदला बदल। अच्छा, पर होगा क्या उससे? जो समझ में आए वो कैसी तबाही है? मैं तो वो तबाही हूँ जो तबाही होने के बाद भी समझ में नहीं आती। मतलब? मतलब बाद में समझाऊंगी। पहले पहले ये लेबल अदला बदली करो, जल्दी कर। वो करता मैं, वो करता अभी।
हमने, हाँ सुना था हमने, फंस गए किसी जगह पर, तो नहीं पता था मिलेंगे या इस हाल में। देखिए रह रह के भूखे कितने दुबले हो गए मेरे पिताजी। कोई बात नहीं पिताजी, डरिए मत, मैं अभी छुड़ाता हूँ आपको इस केस से, डरिए मत। रुको, क्या कर रहे हो? छुड़ा रहा हूँ पिताजी को अपने केस से। बेवकूफ, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, स्केलेटन है, कंकाल, और वो भी असली नहीं नकली बनाया हुआ। बच्चों को इंसान के शरीर के बारे में बताने के लिए ये बनाया है, समझे? है नकली? अच्छा हाँ, है कसम मुझे मेरे पिताजी जैसे दिखने वाले इस नकली पिताजी की, रहूंगा मैं ढूंढ एक ना एक दिन मेरे असली पिताजी को। चलो अभी, नहीं तो तुम्हारे पिताजी के साथ टांग दूंगी। क्षमा, बच्चों मेरा सिद्धांत है कि हंसते हंसते सीखो और सीखते सीखते हंसो, इसीलिए आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम सबको हंसी आए। क्यों टीचर, आज आप कोई जोक सुनाने वाले हो? नहीं बेटा, मैं जोक नहीं सुनाऊंगी, बल्कि मैं तो गैस बनाना सिखाऊंगी। ये गैस ऐसी होती है जिसे सूंघते ही हमारे पूरे शरीर में गुदगुदी सी होती है और हम सबको हंसी आ जाती है। अरे वाह, हंसी मतलब खुशी। ये गैस तो हर घर में बननी चाहिए। अगर ये गैस हर घर में बनेगी तो हर घर में खुशी ही खुशी होगी। लगता है टीचर ने पहले से हंसने वाली गैस सूंघ के रखी है। चलो बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। चलो इधर आ जाओ। ये बेवकूफ, दरवाजा बंद कर। क्यों, है नहीं जाना अंदर? हंसना नहीं हंसाने वाली गैस को सूंघ के। बेवकूफ, हम यहाँ हंसने हंसाने नहीं आए, बच्चों को रुलाने के लिए आए, समझ गए? अब बच्चे हंसेंगे नहीं, फंसेंगे। फिर बालवीर आएगा और इस्तेमाल करेगा अपनी शक्ति, तभी मैं हीरे में ही वो शक्ति सोख लूंगी। मेहर बेटा इधर आओ, देखो वहां जो सफेद पाउडर रखा है ना, वो लेकर आओ और साथ में रखी पानी की बॉटल लेकर आना, ठीक है? सुनो, वो बाजू में पड़ा हुआ एसिड का बॉटल को हाथ मत लगाना, वरना सफेद पाउडर में गिरते ही यहाँ पर आग लग सकती है। ठीक है, ध्यान से जाओ। मेहर, अब जैसा जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना। जी मैम। वो प्लेट उठाओ, सब ध्यान से देखेंगे। जी मैम। अब उसमें 2 चम्मच सफेद पाउडर डालो। कितने चम्मच? 2 चम्मच। गुड, ठीक है। अभी बीकर उठाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो।
ये हीरों का डिब्बा खोल और उसका मुंह दरवाजे की तरफ कर। अटकाती परी, बच्चों के मुरझाए चेहरे फिर से खिला, इस जलती हुई आग को जल्दी से बुझा। बिल्कुल सुरक्षित हो, चलो अब जल्दी चलो। अरे बॉस को ले लेते चल। अरे इसको क्या हो गया? आपको देख के डर के मारे बेहोश हो गया ये। अरे यार इस गेंडे डरपोक को अपना बॉस किसने बनाया यार? हम दोनों ने तो बनाया इसको अपना बॉस। छोड़ छोड़ छोड़, इसको छोड़ के चलते, इस मोटे को छोड़, चल छोड़, चल चल। सबको बाहर निकालूंगा, एक कतार में खड़े हो जा। अब सारे बच्चे एक एक करके इस दीवार के पार जाएंगे और बगल वाले गलियारे में जाके खड़े रहेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। जल्दी से वो हीरो का डिब्बा खोल और उसका मुंह दरवाजे की तरफ कर। शक्ति देकर बच्चे हो जाए इस दीवार के पार, निकल जाए इस प्रयोगशाला से बाहर। आएगी तबाही। बॉस मोंटू को भूल गए? ओह मोंटू, हमें लगा कि वो रेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कि उसे रेस्ट करने देते हैं ना। नहीं, उसे भी अपने साथ ले लो, जाओ जाओ, चल उठा इसको इसको। अरे बॉस उठो, उठो बॉस। अरे ऐसे नहीं, कंधों पे उठाना पड़ेगा इसको। क्या बात कर रहा है, चल छोड़ चल। मोंटू, केवल रोहित जल्दी। बालवीर जी, मोंटू बॉस कई बार बोल चुके हैं कि उनको आपके साथ हाथ मिलाना है। बालवीर जी, आज उनके साथ हाथ मिला लीजिए ना, प्लीज बालवीर जी, उनकी खुशी के लिए। ठीक है, जा।
रॉकी 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 बेटा है रॉकी 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 बेटा है। ये रॉकी कहाँ गया? बुलाता है दिन में और आता नहीं सामने। रॉकी देखो आ गया तुम्हारा बगीचा। रॉकी हैं? रॉकी 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 बेटा रॉकी बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा मतलब तुम्हारा छुपन छुपाई खेलने का दिल कर रहा है? नहीं मैं छुप नहीं रहा हूँ। छुप नहीं रहे हो तो फिर बाहर आओ चलो। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे बाहर तो फिर मुझे क्यों बुलाए यहाँ पर? क्योंकि मैं रूठा हूँ। रूठे हो? ऐसा क्यों भाई? बाबूजी एरोप्लेन लेने गए थे मगर वो महंगा था इसलिए वो एरोप्लेन ला नहीं पाए। ओहो बस इतनी सी बात? बगी चाचा नाम है मेरा, बगी चाचा। अभी बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा एरोप्लेन, क्योंकि बगी चाचा जिसके साथ उसके मजे दिन रहा। सच्ची आप मेरे लिए एरोप्लेन बनाओगे? हाँ हाँ बनाऊंगा। दिखा दिखा दिखा। चलो दिखाता हूँ चलो। देखो हाँ पर संभल के। अरे वाह कितना अच्छा और कितना बड़ा घर है हमारा। बेटा घर बड़ा नहीं है तुम छोटे हो गए हो। अरे हाँ बगीचा चा अब हम नीचे कैसे जाएंगे? हाँ हाँ अभी उतारता हूँ मैं आपको, पहले अपनी आंखें बंद कर लो और एरोप्लेन को कस के पकड़ लो। अच्छा आहा और ये शुरू होने जा रहा अपना लैंडिंग और हम लोग ये नीचे जा रहे हैं। अभी तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चलो बच्चों जल्दी। सारे बच्चे आ गए? जाओ बच्चों। बच्चों तुम ठीक तो हो? मैं फायर ब्रिगेड को फोन करने ही वाली थी लेकिन फोन डेड था। कोई बात नहीं मैडम,
अब सब ठीक हो गया है। ये देखिए, ये है BBB, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बालवीर, तो तुम हो बालवीर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन तुम्हारा असली रूप आज देखने को मिला। हेलो बालवीर, मैं तबाही, तनुजा बालू भाई हीरापुर वाला, इसी स्कूल की नई प्रिंसिपल। तुमसे मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छा किया जो सही समय पर यहाँ आए। जब बच्चे मुसीबत में हो तो मैं आए बिना नहीं रह सकता। सच है बालवीर, आज तुम्हारी वजह से इस मुसीबत से बच्चे आज बच गए और मेरा फीका रंग भी रंगीन हो गया। थैंक्स बालवीर। जी, अब मैं चलूं? ठीक है बालवीर, पर जाते जाते एक वादा करके जा। वादा? कैसा वादा? जब जब मेरे स्कूल के बच्चों पर मुसीबत आएगी, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके मेरे बच्चों को जरूर बचाओगे। अब चिंता मत करी, मैं आपके स्कूल के ही नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाऊंगा। ये वादा है बालवीर का आपसे और इस दुनिया के सारे बच्चों से। चलो मैं चलता हूँ। ये क्या नाच गाना कर रहे हो? मैंने तुम्हें तबाही की मदद करने के लिए भेजा था। ये सब क्या है? कहाँ है वो? परी भयंकर नाचिए आप भी मेरे साथ। नहीं पता आपको कि क्या कमाल किया आपकी तबाही ने। वही खुशखबरी देने आ रहा था मैं आपके पास नाचते गाते। अच्छा, खुशखबरी है? तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आकर सुनाओ तबा तबा। क्यों नहीं? तबाही, 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 तबाही। देता हूँ अगर मैं खुशखबरी, पड़ती है थप्पड़ क्यों मुझे तब भी? अगर काम तबाही ने किया है तो ये खुशखबरी भी मुझे उसी के मुंह से सुननी है। कहाँ है वो? वो तो है मेरे पीछे ही। देखो तबाही, तबाही, कहाँ गई तबाही? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। तबाही, तबाही कहाँ हो तुम? तबाही, आई तबाही, संग संग लाई बुराई। तबाही, जल्दी से बताओ तबाही, क्या खुशखबरी है? तबाही का असली मजा सुनने में नहीं, देखने में आता है। ये देखो, वाह तबाही, वाह, आज मुझे गर्व है तुम पर। हाँ,
तीर से दो निशाने। पहली बार तुमने उस बालवीर से दो शक्तियां ली। बहुत खुश हूं मैं तुमसे, बहुत खुश हूं तबाही, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मुझे और बुराइयां करनी है, और बुराइयां करनी है। कितने बरसों के बाद मुझे ये बुराइयां करने को मिली है। कितना मजा आ रहा है बुराइयां करने में, और बुराइयां करनी है। पर जल्दी ही ये सब बंद हो जाएगा। क्यों, तुम्हें कौन बुराई करने से मना कर रहा है? रोका किसी ने नहीं है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 7 शक्तियां लेने को बोली है ना, और उसमें से 2 तो मैंने ले ली। और जल्दी ही मैं बालवीर को बुलाकर उसकी 5 शक्तियां छीन लूंगी। और उसके बाद क्या? कुछ नहीं, फिर तो मैं उकता जाऊंगी। मुझे और बुराइयां करनी है, मुझे और बुराइयां करनी है। तुम चिंता मत करो, अभी तो बस शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब मुझे मेरी सप्तरंगी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। जाओ तबाही, जाओ और जाकर अपना मकसद पूरा करो। कुछ सीखो तबाही से। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, और वो एक ही बार में 2 काम कराई है। हाँ हाँ, बड़ी आई तबाही तबाही, हाँ तबाही, हाँ तबाही, तबा तबा आया। अरे किधर हूँ मैं, कहाँ पे हूँ? अरे पागल, ये क्या किया तूने? तूने इसे पानी क्यों डाला? ये होश में आ गया था ना? क्या? तो मैं बेहोश हो जाता, वरना ये मार मार के मुझे बेहोश कर देगा। अरे गधो, मैं पर पानी क्यों डाला? वो भी ठंडा। क्योंकि स्कूल के नल से गर्म पानी नहीं निकलता ना बॉस। अरे बेवकूफो, पर आपको लैब में लगी थी ना, लैब में जाके पानी डालना चाहिए था, मेरे पे क्यों डाला? अरे लेकिन अब लैब में पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? पूरी लैब आग में जल के राख हो गई, और स्कूल को छुट्टी दे दी, इसलिए हम लोग यहाँ पे अकेले हैं। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिली, आप यहाँ बेहोश हो गए थे इसलिए हम यहाँ खड़े। हाँ, और वैसे भी लैब की आग को तो बालवीर ने बुझा दिया, और सारे बच्चों को भी बचा लिया। क्या बालवीर आया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना मुझे बालवीर के साथ हाथ मिलाना है, तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बॉस, ऐसे ही थोड़े ना पक्के दोस्त बने हम आपके। हमें हमेशा से याद था कि आप बालवीर से हाथ मिलाना चाहते हो, इसलिए बेहोशी में भी हमने आपका हाथ बालवीर से मिला दिया। क्या बालवीर मुझसे हाथ मिला चुका है? हाँ। कैसे?
अरे बॉस ऐसे। अरे बेवकूफ, मेरा हाथ मिलाने का मतलब हैंडशेक नहीं था। अरे मैं बालवीर को अपने टीम में लेना चाहता था, अभी सब बच्चों को मैं डरा के उन पर अपना रौब जमा सकूं। अब सुनो मेरा आइडिया, नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि बालवीर जब भी आएगा ना, मुझे बेहोशी से होश में लाकर मेरा हाथ उसे मिलवा देना, समझे? अरे बॉस, इससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? जब नेक्स्ट टाइम बालवीर आएगा तब आप बेहोशी मत होना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये भी आइडिया सही है। तुम दोनों रहने दो, मैं ही खुद बालवीर से हाथ मिला लूंगा। हे भगवान, इतने सारे काम कर रहे हैं और सबसे पहले तो ये मटर छीलने हैं। काश बालवीर यहाँ पर होता तो 2 मिनट में सारे मटर छील देता। अरे? लेकिन होता तो भी क्या फायदा, वो तो सिर्फ बच्चों की मदद करता है। काश मेरी भी उम्र कम होती। अरे ऐसी क्या बात कर रही हो स्मिता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अरे अभी भी तुम 16 साल की ही लगती हो। जाने दीजिए आप भी। नहीं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलो। अरे स्मिता, तुम्हें ये मटर छीलने के लिए बालवीर की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना शूरवीर, धर्मवीर, महावीर, मतलब महेशवीर। यूं छिलके देता हूँ, ऐसा छिलूंगा और वापस दे दूंगा। रहने दीजिए। यार तू? मैं कुकर बंद करके आती हूँ। हाँ, मटर को हाथ मत लगाइएगा। यार ये ये लो, मैंने आज के खाने के लिए सारे मटर छील भी लिए और ये बहू बेकार में पूरी परात मटर फिर से छीलने के लिए बैठ गई है। एक काम करती हूँ, मैं ये मटर यहाँ रख देती हूँ, छीले मटर देखकर बहू खुश हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा ये किसने छीले है। तीन चार मटर तो खा ही सकता हूँ। इतनी देर में इतने सारे मटर किसने छीले ये? बालवीर, जरूर बालवीर आके ये छील के क्या है। स्मिता, स्मिता कहाँ है, क्यों चिल्ला रही? ये देखो, ये मटर देखो, सारे मटर 2 मिनट में छिल गए। ये बालवीर का ही काम है, ये बालवीर ही हो सकता है, अभी आया था मटर छील के गया। बालवीर आया था तो थैंक यू बालवीर, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। अरे 2 मिनट रुक जाते, मुझसे मिलकर जाते, कुछ खा कर जाते, आपको रोकना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, थैंक यू बालवीर, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहो और सबकी मदद करते रहो। तुम सुन रहे हो ना बालवीर, बालवीर। मम्मी आप जोर जोर से बालवीर बालवीर क्यों चिल्ला रहे हो? बालवीर तो सिर्फ बच्चों की मदद करता है। नहीं गलत, बालवीर आज मेरे बुलाने पर भी आया था और ये देखो इतने सारे मटर छील कर गया है। बालवीर ने मटर छीलना भी शुरू कर दिया है। हाँ। ये मानव, बालवीर मटर नहीं छीलता। अब कौन से बालवीर को देखकर इतना खुश हो रहे हैं? मेरा मतलब कौन बालवीर आया था यहाँ, कहाँ है? आपने देखा क्या बालवीर को? नहीं देखा। देखा? बेटा, माँ ने बोला नहीं देखा। हाँ। अरे वैसे नहीं, बालवीर तो मटर छील ही नहीं सकता। बालवीर तो क्या? बालवीर तो क्या बल्लू? क्या? और बल्लू, अगर ये मटर बालवीर ने नहीं छीले हैं तो किसने छीले? मैंने। हाँ, मैंने छिलके मटर यहाँ रख दिए और तुम्हारे मटर मैंने ले लिए। मैं तुम्हें सुपर प्राइज देने वाली थी। माँ, सुपर प्राइज नहीं, सरप्राइज। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चलेगा। माँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। काश ऐसा सरप्राइज आप प्याज काटते वक्त भी दे दे तो। हाँ? कुछ नहीं। माँ, इसलिए तो बल्लू ने बोला कि बालवीर ने ये मटर नहीं छीले, क्योंकि वो तो हमारे स्कूल में था। हाँ? क्योंकि हमारे लैब में आग लग गई थी। क्या? आग लग गई थी?
हाय हाय, तुम लोग ठीक हो ना? बच्चों कहीं किसी को चोट तो नहीं आई? कहीं जला तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, बालवीर ने आके सब बच्चों को बचा लिया। हाँ। और लैब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वाह वाह, सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है बालवीर। बालवीर तुम झुक झुक जियो और भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों को बचाने के लिए थैंक यू। आज तुमने हमारे बच्चों को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ बालवीर, सिर्फ हमारी ओर से नहीं, जिन जिन बच्चों को तुमने बचाया है उन सारे बच्चों के माँ बाप की ओर से, सबकी ओर से मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बिग थैंक यू बालवीर, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओ बल्लू, मिस्टर लल्लू, हम लोग को यू आर वेलकम नहीं, थैंक यू बोलना है बालवीर को। और अगर नहीं आता ना तो हम सबके साथ खड़े होकर बोलो। हाँ थैंक यू बालवीर, थैंक यू। तुमने मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया तौबा तौबा, जरा नजदीक आके बोलो। क्यों नहीं? क्योंकि है आने वाला राज हमारा। बेवकूफ, राज ऐसे नहीं आएगा, पृथ्वी लोक पर जाकर तबाही की मदद करने से आएगा। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वहां जाओ और जब तक वो काम पूरा ना हो वापस मत आना, समझे? सुना मैंने, सुना। बल्लू तू क्रिकेट खेलने से पहले गेम को समझ ले, ये है बैट और ये है बॉल। हाँ समझ गया, ये बैट, ये बॉल और मैं बी। बल्लू बीवी बनने की कोशिश की ना तो पीट दूंगी। मेहर शांति रख। हाँ और तू कैसे बन गया बीवी? ये बैट, ये बॉल और मैं बल्लू, तो हो गया ना बी। बॉल बैट से खेलने वाला बल्लू। ठीक है अब गेम सीखने में ध्यान लगा। मानव समझा इसे। बल्लू वहां पर खड़े हो जाओ और जो मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ देखो, ये है क्रीज और बैट को ऐसे पकड़, ये है फ्रंट फुट, ये है बैक फुट और ये है सिल ड्राइव। हाँ और ये है हुक। ए मानव, सॉरी
अब बाकी सब मैं क्रिकेट खेलने के समय बताऊंगा। अब बातें हैं बॉल पे। अब निमित बॉल डालेगा, ध्यान से देखना, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। आकाश विकेट कीपर कर। और हाँ बल्लू, याद रखना हमें ना बॉलिंग करने से पहले पीछे जाना पड़ता है रन अप लेने के लिए। हाँ हाँ। ये था लेग स्पिन। कुछ समझ में आया तुझे बल्लू? हाँ मानो मैं सब समझ गई। अगर आज मैं बैट है तो बॉल को मारो, अगर आज मैं बॉल है तो स्टंप को मारो। लो, मैंने खाली फोगड़ इतना बड़बड़ किया, इसको दौड़ाया। सॉरी निमिता, तू तो दो लाइन में क्रिकेट सीख गया। चलो भी खेलते, पहला बैटिंग कौन करेगा? पहली बैटिंग मैं करूंगा। ग्राउंड खाली करो, यहाँ पे मोंटू को क्रिकेट खेलना है। हम लोग क्यों जाएं यहाँ से? तुम जाओ। हाँ, हम भी क्रिकेट खेलने आए हैं। तू खेलेगा क्रिकेट? और अभी दो मिनट पहले तो तूने ये सीखा है कि बैट और बॉल होता क्या है। तू क्या खेलेगा क्रिकेट? देखो मोंटू, पहले हम आए थे इसलिए पहले क्रिकेट हम खेलेंगे, तुम बाद में आकर खेलना। जाओ मानव। मानव मानव, लगता है तुझे पता नहीं है कि जब मोंटू आता है ना तब भी क्रिकेट शुरू होता है। ए, चलो चलो, चलो खाली करो ये ग्राउंड, वरना 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 क्या क्या कर लोगे? और मोंटू लड़ाई झगड़ा बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना पीट दूंगी। झगड़ा मैं कभी नहीं। तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि मोंटू जो बोलता है ना वो बाउंड्री की लकीर होती है और तुम लोग उस लकीर को कभी पार नहीं कर सकते। ए, ऐसा कुछ नहीं है मोंटू, हमें भी बैटिंग और बॉलिंग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ। अच्छा तो फिर हो जाए चैलेंज, तुम लोग बॉलिंग करना और 6 बॉल में से किसी एक बॉल पे मुझे आउट करके दिखाना। और मेरा ये चैलेंज है कि मैं तुम लोग के 6 बॉल पे 6 मारूंगा और जो हारा वो ये ग्राउंड छोड़ के बाहर, और जो जीतेगा वो ही खेलेगा। क्या बोलते हो, मंजूर है चैलेंज? नहीं नहीं मानव, इनकी बात मत सुनो। नहीं, एकदम नहीं, इनका चैलेंज मंजूर मत करो। हाँ हाँ, वैसे भी ये क्या चैलेंज लगा, तो खुद ही बैग जितना है। हाँ मानव, अगर ये मोंटू खड़ा होगा ना तो उसके पीछे वाला स्टंप और विकेट कीपर तो दिखेगा ही नहीं। और तू जा क्रिकेट छोड़कर, थोड़ा दूध वूध पी, एनर्जी आएगी। 6 बॉल तो क्या, तुम लोग मुझे 6 दिन में भी आउट नहीं कर पाओगे। मानव, इनकी बात मत सुनो, मत
मुझे चैलेंज मंजूर है। मैं तुम्हें 6 बॉल में आउट करके दिखाऊंगा। ठीक है तो मैं तेरे 6 के 6 बॉल पे 6 मारूंगा। चैलेंज नहीं मानव, इनकी बात मत सुनना। मानव नहीं, इनकी बात मत सुनना।